तो ये है संगम, अलकनंदा और भागीरथी केदार बाबा के पास जय जा रहे केदार हैं। जय बाबा। हम लोग हेलो दोस्तों, अब आ गए हैं हम लोग ट्रेन में इस वक्त। आज डेट है कितनी, 26 सितंबर है, 5:16 हो रहा है। थोड़ा ये रहे अमित, देखो अभी इस वक्त हम लोग ट्रेन में हैं। फिलहाल तो ये है हाल, ठीक है। बाकी इस वक्त हम लोग मलियाबाद के पास हैं। ये देखो ट्रेन आ रही है। नया दिन, नई ट्रिप। आज है 26 सितंबर, बज रहे हैं 5:30 और ये है ट्रेन इस वक्त हमारी रुकी हुई है मलियाबाद में। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं हरिद्वार और हरिद्वार से जाएंगे, जैसा कैप्शन में आपने देखा, केदारनाथ ट्रिप है ये अपनी 5वीं ट्रिप है इस साल की। बने रहिए, दिखाएंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमने ब्लॉग थोड़ा देर में शुरू किया है, ट्रेन चल दी है, सायरन हो गया, चलते हैं वापस फटाफट, फिर आगे मिलते हैं, बताते हैं आपको। चलो चढ़ो तुरंत। तो फिलहाल हम लोग हैं बघौली, जो कि है मेरा गांव। अभी दिखाता हूँ आपको क्रॉसिंग, जहाँ से हम लोग गांव की तरफ जाते हैं। 5 किलोमीटर दूर रहता है मेरा गांव का घर, मेन रोड पे, इसी रोड पे ही है। मुझे लगता है पहली बार मैं ट्रेन से देख रहा हूँ अपने गांव की क्रॉसिंग, वरना हमेशा कि ट्रेन गाड़ी से ही आते हैं। ये देखो ये क्रॉसिंग है, ये है बघौली, ये रही क्रॉसिंग। इससे सीधे चले जाओ 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव आ जाता है। तो आज हम लोग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी तो मिली है, जिम्मेदारी वाले फीडबैक वाला, फीडबैक देख लीजिए आप। तो पहला क्या है, क्लीनिंग एंड सेटिस्फेक्शन एट टॉयलेट टूर, वेरी गुड है, वेरी गुड, इतना साफ नहीं है, वेरी गुड है भाई, वेरी गुड है भाई, इतनी वॉशरूम भी गुड है, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेटियर्स एसी कोचेस सेटिस्फैक्टरी, जनरल क्लीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट ये का वेरी गुड है, कंपार्टमेंट बिहेवियर ऑफ आई जेंट्स ये भी गुड है, वेरी गुड है, और ऑफिस रूम ठीक है। और ये देखना यहां पे हमारी की, तो इससे आपको फर्क पड़ेगा कोई, मतलब ये फीडबैक देंगे तो आपको कुछ वो होगा, आप में ऐड होगा, जैसे आपके पास कॉल जा सकता हूँ, मतलब आप में कुछ बढ़ेगा, मतलब ये तो हो सकता है, ये रेल में जाता है। हेलो भाई अमित, देखो ये है अपने थर्ड पर्सन अनिकेत जी, और ये रहा अपना खाना, कुंदरू बुकरू, अबे आलू है, पूड़ी आलू। हाँ भाई अमित, ये देखो कैसे सेट हो गए हैं यहाँ पे, समोसे खाए हैं और दो चाय, मजा आ गया, चाय 3 समोसे पहले हैं और दो चाय, देखो बढ़िया थी, फिर सही बर्थ है, बहुत बढ़िया लगे, तो यही तो फन है। तो भाई समोसे खाए थे इन लोगों, मैंने तो नहीं खाए भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना है, पता नहीं कौन सा तेल का बना दिया हो। चाय तो भाई पाउडर वाली चाय थी, लिटरली बेकार गंदी चाय थी। बाकी फिलहाल हम लोग हरदोई के आगे हैं, मिशन देख लो, थर्ड एसी का ये हाल है, थर्ड एसी भाई साहब कैसे फुल है ब्रो। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, चार धाम यात्रा होने वाली है। टोटल कितने लोग थे, टोटल 42। सही लग रहा है, अब बस लेने जा रहे हैं, यहीं आ गए हैं। परमेश्वर बोले गोविंद भगवान की जय, सरकार की जय, ब्रज धाम की जय, जय गोविंद गोविंद गोविंद, जय गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ तो भाई टाइम हो रहा है
3:30 और 27 सितंबर हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं। 3:30 दिन का हो रहा है, ठीक है, सुबह का है 3:30 और हाल ये है फटाफट फ्रेश हो गए थे। ये देखो ये अमित है और ये नए हैं आज ट्रिप पे, अनिकेत भाई हैं ये, अमित के दोस्त हैं। हेलो भाई, ठीक है गाइस, हेलो गाइस। चलो भाई अब मिलते हैं, आगे चल रहे हैं। तो गई वंदे भारत, वो तो वंदे भारत तो चली गई भाई, वंदे भारत आई थी। ये इनको बाइक कर लो सबको, अपना ग्रुप था भाई। हाँ ये देखो बाय बाय, आगे ठीक अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, मिलते हैं जब ये मिलते हैं, हर हर बोले। चलो भाई सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी। दोबारा से अब हम आ गए हरिद्वार, अभी एक महीने पहले ही आए थे, फिर से आ गए हैं अब तो। उधर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अब, ठीक है। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है अब हमारी। वो देखो भाई उत्तर रेलवे हरिद्वार, वो दीप मंदिर थी। अमित मस्त सो रहा है बैठे, देख रहे हो। हाँ भाई फोटो तो खींच लो जरा। सुनो हरिद्वार में स्वागत है आपका, देखो कैसे भर रखा है पूरा। ये बताओ ये तो टैक्सी का पर हर महादेव टैक्सी। तो भाई टाइम हो रहा है अभी कितना, 5:08 और ये रही हम लोग की बस, बुकिंग कर ली है, ठीक है। बस का नंबर ये रहा UK07PC1187। अंधेरा लग रहा है काफ़ी, 5 अभी सूरज नहीं निकला है भाई, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ से हरिद्वार उतर जाओगे तो आपको गवर्नमेंट बसें तो चलती नहीं है यहाँ से, मुझे लगता है ऋषिकेश से चलती है, और ये प्राइवेट वाली हैं जितनी, ये सब बुकिंग पे आती हैं, ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग का किराया 800 समथिंग है और यहाँ ऐसे हम लोग को 500 का मिल गया है, तो ये है नाटक। और हाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं करोगे तो आगे की कैबिन है, कैबिन मिलेगी, नहीं तो लास्ट वाली सीट है। तो भाई ये देखो अमित यादव जी बैठे हुए हैं बस में, ये बस है अपनी, ठीक है। और ये यहाँ पे भाई थोड़ा सा सीन यहाँ पे अलग ही है, हरिद्वार पहुँचोगे स्टेशन से सामने बस स्टैंड है, लोग कहते हैं कि बसें मिल जाती हैं बस स्टैंड में, लेकिन कुछ नहीं मिलता भाई, कोई बस नहीं है। सोनप्रयाग की नहीं मिलता, सोनप्रयाग की कोई बस नहीं मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा पीछे वो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से पीछे आओगे ये देखो ये बसें प्राइवेट खड़ी हैं, लेकिन ये सब ऑनलाइन बुकिंग है। आपको बीच में जो ये सीटें हैं ये कुछ नहीं मिलेगी, ऑनलाइन बुकड हैं। किस्मत की बात है, जैसे मुझे आज किस्मत की तो एक इधर वाली सीट मिल गई, वरना ये लास्ट वाली मिलेगी और वो केबिन मिलेगा। केबिन में तो पटरे जैसी सीटें हैं, एकदम बेकार अनकम्फर्टेबल, और पीछे तो जानते हो कैसे उछलते हैं लोग, तो बस ठीक है ऐसा ही है। ये देखो ऑनलाइन किराया है 800 समथिंग, रेड बस वगैरह से करोगे डायरेक्ट आ जाओगे तो 500 रुपये है। हम लोग 2 नाचे तब जाके फिर ये मिली है ये करे है। वो जो लोग बताते हैं कि यहाँ मिल जाती हैं ये वो, तो सब गलत बताते हैं भाई, रियलिटी यही है। ये देख रहे हो कैसे बस चला रहे हैं, रियलिटी यही है कि भाई यहाँ पे सब ऑनलाइन बुकिंग वाली है, बस पीछे और केबिन में मिलती है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो पीछे और केबिन का तो यहाँ आओ। गाड़ी नंबर ये रहा, ये देखो क्या पता है कौन सी जगह है ये, चौहान ढाबा। चौहान ढाबा ओ भाई साहब, ये है व्यू। तो भाई फिलहाल अभी ही आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, बस रुकी है देवप्रयाग से पहले हैं, और कुछ ऐसा व्यू है बाहर का, ये देखो। तो भाई आलू प्याज पराठा आ गया है, देखो ये तंदूरी वाला पराठा बड़ा बढ़िया लगता है। ये देखो ये अनिकेत हैं और ये अमित है, अमित की अभी तक अभी से ही हालत ख़राब होनी शुरू हो गई है। ये बस में हमसे बहस कर रहे थे कि हमको ट्रेन में नहीं आ, उसमें किसमें सुमो में नहीं जाना है, बस में जाना है, और बस में इनको लास्ट सीट मिली। मैं मना कर रहा था कि लास्ट सीट पे मत बैठो, लास्ट सीट दिखा दे, तुम खुश ना भाई, तुम्हारे लिए मैं चाक क्यों देगी। हाँ
लो भाई मैगी भी आ गई यार, बहुत बढ़िया। भाई फिलहाल यहाँ नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने, पीछे नजारा देखो यार क्या गजब का नजारा है। चलो नहीं है यार अभी है। ये देखो अमित परेशान है क्योंकि वो रही अपनी बस, अभी बुला दी हो यार। फिलहाल ये है व्यू, ये देखो मिलते हैं आगे, देवप्रयाग है इसके बाद कुछ दूरी पे है। ये है संगम अलकनंदा और भागीरथी, और वो जा रही है माँ गंगा। बहुत बढ़िया व्यू यार। तो भाई अभी देखो रास्ता बंद है, मलबा हटाया जा रहा है, ये कुछ पहाड़ का हाल है। फिलहाल हम लोग रुक रहे हैं आके, और ये है मंदाकिनी। अभी कितना सही है यार, ज्यादा आगे मत जाओ भाई। क्या करो फोटो खींच रहा हूँ। मंदाकिनी रिवर, भाई साहब अलग ही गर्मी हो रखी है यहाँ। रोड क्लियरेंस चल रहा है, देखो भाई साहब लैंडस्लाइड। इस वक्त सीतापुर में उतर चुके हैं। ओ भाई हालत हो गई है खस्ता भाई, लिटरली यार। मतलब जर्नी लोग कहते हैं आसान है, बढ़िया है, सब बस से आ जाओ, लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। पूरी रोड इतनी गड़बड़ है ना पूरे रास्ते पर,
अभी ड्राइविंग का सोच रहे हो भाई? बिल्कुल मत, खुद से तो ड्राइव करके आओ ही मत। इनको देखो, ये कह रहे थे गाड़ी से, ये तो ये पूरा दिन भर सोए हैं, इनको कोई काम ही नहीं था। हाँ, आंखें पलटी हुई थी इनकी बीच में। ये सीन है कुछ ऐसा, पहुंच गए हैं फिलहाल। जय बाबा केदार, पहुंच गए हैं फिलहाल। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सीतापुर पार्किंग। ये है सीतापुर पार्किंग। हम लोग जा रहे हैं 1 किलोमीटर पैदल सोनप्रयाग तक, क्योंकि हम लोग की बस ने हम लोग को पहले ही उतार दिया है, आगे नहीं जाते हैं। तो अब ये सीन है फिलहाल, मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे व्यूज। तो भाई कैसी रही जर्नी ये बताओ? है जी, कैसी थी जर्नी बस वाली बताओ? बम्पी राइड थी, बम्पी राइड थी भाई, पीठ दर्द हो गई भयंकर वाली। हाँ, लेकिन जो नहीं, जो व्लॉग्स हम लोग देखते हैं ना, जिसमें मार बताते हैं वो बढ़िया है, ये वो असली सच्चाई नहीं बताते कि भाई कितनी रोड गड़बड़ है भाई यहाँ पे। और भाई रोड बंद थी, नहीं हम लोग की किस्मत ये थी कि रोड बंद नहीं मिली और ऊपर से बारिश नहीं हुई कहीं पर। बहुत अच्छे से पहुँच गए फिलहाल, ऐसा कुछ माहौल है। देखो मौसम यहाँ बिल्कुल ठंडा ठंडा अब लगने लगा है। अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है एग्जैक्ट। तो ये है फिलहाल सोनप्रयाग की पार्किंग और हम लोग आ चुके हैं सोनप्रयाग। द लास्ट रोड केदारनाथ, लास्ट स्टॉपेज मतलब कहेंगे। आओ फोटो ले ले भाई सोनप्रयाग पे। सोनप्रयाग, तो भाई साहब अब होटल में हम लोग ने ले लिया है, सोनप्रयाग में ही ले लिया, क्योंकि ऊपर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्योंकि बस से भाई कितना बज गया है टाइम, मैं बताता हूँ 1 मिनट, 3 बज रहा है। 5:30 बजे चले थे, 3 बजे पहुँचे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लगा है। रोड बहुत ख़राब है यार, ऊखी मठ वगैरह है, ऊखी मठ से रोड बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल एकदम सिंगल रोड है, टूटे पड़ी है, पैचेज हैं बहुत भयंकर। भाई जो आदमी परफेक्ट है वही चला सकता है बिल्कुल। हम लोग गाड़ी से आने का सोचा था, अच्छा डिसीजन रहा कि नहीं आए। फिलहाल ये है सोनप्रयाग की, ये रही पूरी पार्किंग। ऐसा मौसम है, अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी। और ये है, और इधर भी ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस है, यहीं से बारकोड अपने स्कैन होंगे, फिर आगे निकल जाएंगे 100 मीटर दूर वहाँ पे गौरीकुंड के से बस, वो क्या बोलते हैं, सूमो चलते हैं, वहाँ से बैठ के सीधे आगे वो यहाँ मतलब यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम लोग को उतारेगा, फिर हम लोग आगे पैदल चढ़ाई चढ़ेंगे 22 किलोमीटर लग। तो फिलहाल ये व्यू है, सबसे टॉप फ्लोर का रूम मिला है, रूम ये है, 1500 में रूम मिला है, आराम से बढ़िया। 3 बेड हैं, गद्दे वद्दे उठा लो जिसको मतलब है, किंग साइज है। बाकी ऐसा कुछ वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है। बस फिलहाल यही सीन है, अभी तक हम लोग जो कहा था समझे जा रहा है। अब बढ़िया है, साफ़ सफाई है, अच्छा होटल मिल गया है। यहाँ हम लोग इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ खाने का काफ़ी चीज़ें हम लोग को दिख रही थी, तो रात को हम लोग आराम से यहाँ बैठ के, जैसे वो बेंच वेंच आराम से बैठ के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि गौरीकुंड में जैसा मैंने सुनी वहाँ पे रिसोर्सेज कम है और होटल भी महंगा मिलता है, इससे 1500 से ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि वो लास्ट रिजॉर्ट है, आदमी को पता है उसके ऊपर कुछ है नहीं, नीचे ही आएगा वापस और नीचे जाएगा नहीं, तो भाई 3-4 हज़ार जो भी बताएंगे ले लो। तो ये है, मिलते हैं, जय बाबा केदार, आ गए हैं अपने केदारनाथ की जर्नी पे। अच्छा लग रहा है, चौथी ट्रिप बाबा के नाम, मिलते हैं, हर हर महादेव। तो भाई हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए थे और ये है यहाँ की थाली। मैंने डोसा ऑर्डर किया है, इन दोनों ने थाली है और ये ऐसा कुछ है वहाँ पर। और भैया भी एडेड है, मिलते हैं आगे। भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर साइड, ये देखो पार्किंग, कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, सब कुछ है, वो देखो ऊपर भी पार्किंग है, शानदार व्यू है, शानदार। फिलहाल हम लोग खाना वाना करके अब टहल रहे हैं, ऐसे ही राउंड मार रहे हैं, आगे देखते हैं, कल जाएंगे, मिलते हैं आगे। क्या है, हैं
ओ भाई साहब पोर्शे भी ले आया भाई। तो रिवर मंदाकिनी गंदगी है यार काफी यहाँ पे, काफी गंदगी है यहाँ पर। कुछ ऐसा नजारा, मेरे फोटो लो खड़ा हो गया। देखो भाई व्यू,